भाई जीत के हारने वाली टीम को क्या बोलते हैं? टीम पाकिस्तान, क्योंकि 58 पे 2 से 67 पे 7, 9 रन देके 4 विकेट आउट करी किसी ने नहीं, हेजलवुड ने। तो सच में आज पाकिस्तान टीम के साथ जो है मोहे मोहे हो गया। इस टाइम जो है वो हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, मतलब कितनी लॉलीपॉप टीम है हमारी। जीत भाई जीतेंगे क्यों, हम जीतने थोड़ी ना गए, हम तो घूमने गए, हम तो अपनी फैमिली के साथ गए, हम तो कर लेंगे, हम ये कर देंगे, हम इस इंटेंट के साथ खेलेंगे। भाई रहने दो, आ जाओ वापसी, वापसी आ जाओ। 3-0 के व्हाइट वॉश, 3-0 की जलालत लोडिंग पर है, बिल्कुल फुल लोड हो गई है। कल जो है 3-0 हो जाएगा, मतलब इतना अच्छा खेलते खेलते क्यों खेलेंगे, क्यों जीतेंगे क्यों, क्योंकि हम टीम पाकिस्तान है। तो आज के दिन का रिव्यू हम करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाए सारे इस वीडियो के साथ। तो मतलब ऐसा चल रहा है कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं, पाकिस्तान वर्सेस आमिर जमाल चल रहा है। ऐसा लग रहा है एक ही प्लेयर गया है पाकिस्तान की तरफ से खेलने, बाकी तो सारे चना बेचने गए या घूमने फिरने गए अपनी फैमिली के साथ। खेलना किसको है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया घूम लिया भाई, ऑस्ट्रेलिया घूम लिया, मजे आ गए, वीजा लग गया, यही यही यहीं पर ही खुश हो गए हमारी टीम। क्यों मुझे ऐसा, हमें क्या, मुझे क्या, सबको ही ऐसा लग रहा है एक ही बंदा बॉलिंग कर रहा है, एक ही बंदा फील्डिंग कर रहा है। आज भी 6 विकेट्स लिए, क्या जबरदस्त बॉलिंग करी है, बिल्कुल उनका हिला के रख दिया, और क्या एग्रेशन था, मतलब जबरदस्त। ऐसा ही लगता है, ऐसा ही प्लेयर हमें चाहिए और ऐसे ही प्लेयर्स चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहे हमारे पास, तो सारे वही लॉलीपॉप है। अब्दुल्ला शफीक से स्टार्ट करेंगे, भाई बैटिंग करने आया बंदा किस बात का किताबी प्लेयर है भाई, स्टार्ट की बॉल ही हवा नहीं लगी। ये वही है, पाटे पिचेस पे खिलाओ इन लोगों को, बोलो भाई पिंडी खेले, कराची खेले, भेजा करो। उसके बाद शान मसूद भाई अच्छी फॉर्म में, अच्छी टच में, क्यों ड्राइव मारने जा रहे हैं भाई, रोक लो। कैप्टन डक पे आउट हुआ, 1 रन पर हो गए, 2 ओवर में दोनों गए ओपनर घर पे। फिर आए भाई साइम अय्यूब और बाबर आजम की लगी पार्टनरशिप। साइम अय्यूब की पार्टनरशिप देखकर जो है इमामुल हक ने जो है सर्फ खा लिया है, क्योंकि इमामुल हक अब ऐसा लग रहा है कि दोबारा जाने वाले डोमेस्टिक में। क्या जब स्टार को क्या कट पे छक्का मारा, ये इंटेंट होता है साइम अय्यूब। अब लग रहा है कोई प्लेयर हमारे पास, एक अटैकिंग प्लेयर, एक अटैकिंग ओपनर हमारे पास जो है वो सामने आ गया है। तो जैसे ही साइम अय्यूब घर गए, बाबर आजम ने बोला अरे मैं क्यों यहाँ पे खड़ा हूँ, बुलाओ बुलाओ उस बॉलर को, बुलाओ जिसने इस पूरी सीरीज में विकेट नहीं ली, मैं उसको विकेट देकर जाऊंगा, क्योंकि मैं जिम्बाब्वे के खिलाफ तो खेल नहीं रहा, मैं श्रीलंका के खिलाफ तो खेल नहीं रहा, मैं नेपाल के खिलाफ तो खेल नहीं रहा। तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने लगाया ट्रेविस हेड को, और बाबर आजम ने फौरन ऐसी विकेट दी, मतलब सारी अच्छी बॉलें बाबर आजम को ही पड़ रही है। 6 इनिंग में 21 के एवरेज से 124 रन बनाए और सेंचुरी तो कर ली है बाबर आजम। तो वो तमाम हेटर्स मुंह बंद रखो तुम लोग, बाबर आजम ने सेंचुरी कर ली है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके बाद हम पकड़ेंगे डेरिक हसन अली को, जब से इस बंदे ने बोला है कि बॉबजी द किंग कर लेगा, किंग को चोरी करके जा रहा है पिच पर रन के अलावा। तो भाई हसन अली को पकड़ के इसकी सबसे पहले इज्तिमाही लगानी हमने। इसके बाद भाई बाबर आजम आउट हुए, सऊद शकील इतनी घटिया शॉट, भाई किस बात के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो, छोटा डॉन कहला दे भाई, नाम के ही हैं सारे, इन सबको बैठा के रखो इन्हीं पिचेस पर, कराची इंडिया, इंडिया की पिचेस पर बैटिंग पिच पर ही खिलाओ, मतलब बाहर बॉल जा रही क्यों मार रहे हो, मार क्यों रहे हो भाई, रोक लो उस बॉल को, लीव करो। कट मारने का वो आउट हुए 2 रन पे। उसके बाद सलमान अली आगा हुए बोल्ड सामने, साजिद खान जो है वो भी आउट हो गए, 7 आउट हो गए, बिल्कुल यहाँ पर 9 रन के डिफरेंस से पाकिस्तान की 5 विकेट गिरी हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कल क्या होने वाला है, फिर दोबारा रिजवान और आमिर जमाल पर टीम हो गई हमारी डिपेंड, और कल देखेंगे कि आमिर जमाल और रिजवान जब कल आते हैं तो वो किस तरीके से बैटिंग करते हैं, कितने कितने रन कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी खेलेंगे तो 200-250 जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया को आप 200-250 का टारगेट देंगे, ऑस्ट्रेलिया बताएगा कल। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई 3-0 लोडिंग होने वाला है, आप लोग सारी उम्मीदें छोड़ दें और कल इसी उम्मीद के साथ जो है लग रहा है वीडियो बनेगी कि दोबारा जो है टीम की जलालत ही होगी, और जलालत ही हो रही है। तो भाई जाते जाते LG World को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।